जब मंजिल वो मिल जाएगी, जाएगी ये दुनिया जश्न मनाएगी आकाश पे होंगे कदम तेरे शोहरत तुझको मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ऐसे यूनिक फॉर्मूलाज़ जिनको जानकर आप अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे और वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट कटिंग मेथड ऑपरेटिंग कॉस्ट कटिंग मेथड अगर आप अपने बिजनेस में अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने का फॉर्मूला समझ जाएं तो आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे दस फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्शन को जितने लेवल पर बढ़ाएंगे उसी लेवल पर अपनी सेल को भी इंक्रीज कर सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन एनालिसिस के बारे में जिसमें हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कम किया जाए ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी भी बिजनेस की वो कॉस्ट होती है जो उसको ऑपरेट करने के लिए खर्च की जाती है सबसे पहला मेथड है आउटसोर्सिंग मेथड फ्रेंड्स ये जो आउटसोर्सिंग मेथड है इसमें बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीजों के लिए अपना प्रोडक्शन सेटअप नहीं बनाती वो दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके आउटसोर्स करती हैं आप लोग जानते हैं मारुति इंडिया की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लेकिन क्या मारुति हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन यूनिट पर बनाती है नहीं ग्लास सेंट गोबिन देता है टायर एम देता है पेंट एशियन देता है मतलब मारुति ऐसी बड़ी कंपनी भी आउटसोर्सिंग करती है अगर आप अपने बिजनेस में ये एनालाइज कर पाएं कि कौन कौन सी चीज़ मैं आउटसोर्सिंग करके अपने बिजनेस में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकता हूं तो आपके काम करने की स्पीड भी तेज होगी और साथ ही साथ आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती है अब आपको करना क्या है आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मेरी कंपनी की ग्रोथ को रोक रहे हैं अगर मैं उसको आउटसोर्स करूं तो शायद मुझे प्रोफेशनल लेवल पर रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा और साथ ही साथ मेरी प्रोडक्टिविटी भी आसानी से बढ़ पाएगी यूज टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स आज बहुत सारे बिजनेसेस में बिजनेस को डील करने के लिए मार्केटिंग करने के लिए सेल्स बढ़ाने के लिए प्रमोशन करने के लिए टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और ये टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कई ऐसे असेंशियल एसे पॉइंट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि जब हम टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ़ कन्वीनियंस देखी जाती है कि किस काम को करने के लिए कितनी कन्वीनियंट कॉस्ट आपकी आती है फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम को करने के लिए अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को डील के लिए भेजते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को प्रमोशन के लिए भेजते हैं वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए आपको टेली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए टेली टेक्नोलॉजी में आपकी टाइम कॉस्ट भी रिड्यूज़ होती है सेम टाइम में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ा पाते हैं और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर इम्प्लॉयज़ भी रिड्यूज़ हो जाती है जितना ज़्यादा आप मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आप अपने बिजनेस में अपनी सेल्स को अपने ब्रांडिंग को अपनी प्रमोशन को अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस कॉस्ट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर एम्प्लाइज इस पर आपको फोकस करना है किस तरह से आप इसमें सेविंग को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके एंड द नेक्स्ट डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स आज पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन पर कन्वर्ट हो रही है आपने देखा होगा बैंक्स में पहले रिकॉर्ड्स रखने के लिए बुक्स रखी जाती थी सारा काम मैनुअल होता था लेकिन जब से कंप्यूटराइज सिस्टम आया तो काम करने की स्पीड भी बढ़ी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए अगर आप अपनी इंडस्ट्री में अपने बिजनेस में अपने कॉरपोरेट में अपने प्रोडक्शन यूनिट में डिजिटलाइजेशन करते हैं तो बहुत सारी सेविंग स्टेशनरी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस के रूप में बहुत सारी सेविंग्स होती हैं तो आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है इसीलिए ताकि हम इकोनॉमी में गो ग्रीन कॉन्सेप्ट पर भी काम कर सकें डिजिटलाइजेशन में आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है प्रिंटिंग कॉस्ट पेपर कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट और वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड के साथ फोकस करना है और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनसफिशिएंट मैन पावर एंड एम्प्लॉय आपकी इंडस्ट्री में आपकी फैक्ट्री में आपके शोरूम में आपकी शॉप में या आपके ओवरऑल बिजनेस में बहुत सारी मैन पावर ऐसी है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करके वो जो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं या तो उनको लर्निंग जोन में लाना या उनको टर्मिनेट करके उनके स्थान पर नए मोर कैपेबल मोर स्ट्रांग मोर एजुकेटेड एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना कॉस्ट रिडक्शन एनालिसिस के फार्मूले का इस्तेमाल करते समय आपको फोकस करना है कट डाउन अनयूज सर्विसेज आज बहुत सारी सर्विसेज अनयूटिलाइज हैं अनयूजेबल हैं ऐसी सभी सर्विसेज को अपनी कंपनी से रिमूव कर देना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कुछ समय पहले कॉर्पोरेट कनेक्शन में नाइन का प्लान पर एम्प्लॉय आपका एयरटेल का होता था कॉस्ट रिडक्शन एनालिसिस करते समय आपको यह भी फोकस करना होगा आपकी कंपनी में कौन कौन सी अनयूज्ड सर्विसेज हैं जिनका प्रयोग आप रोककर अपनी कंपनी की कॉस्ट को डाउन कर सकते हैं जब ऑपरेटिंग कॉस्ट डाउन होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा फॉर एग्जांपल एयरटेल के पोस्टपेड कनेक्शन की बात करते हैं तो कुछ समय पहले 999 का प्लान कंपनी कॉर्पोरेट के लिए बहुत बेहतरीन प्लान था लेकिन आज जियो उससे सस्ता प्लान थ्री नाइनटी नाइन में तीन महीने के लिए ऑफर करता है अगर आप एक एवरेज कॉस्ट करें नाइन नाइनटी नाइन का प्लान है और थ्री मंथ आप उसको यूज करते हैं तो नियर अबाउट थ्री थाउजेंड रुपी पर इंप्लॉई आप स्पेंड कर रहे हैं सेव पावर सेव मनी पावर डाउन ऑल नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अप्लाइंसेज अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आप कर सकते हैं अपने एसेंशियल गैजेट्स में कौन कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जो नॉन एसेंशियल हैं जिनका यूटिलाइजेशन कम करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो फुल्ली एयर कंडीशन है वहां पर यूटिलिटी कम है उनकी पावर को कट डाउन करना किस तरह से लाइट का कंजम्पशन कम कर सकते हैं उसको फोकस करना फ्रेंड्स कॉर्पोरेट आज एक चीज को और फोकस कर रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज करती है किस तरह से पावर डाउन ऑल नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अपलायंसेज जिनकी यूटिलिटी को आप कम कर सकते हैं मतलब अगर ए आपके ऑफिस का क्लोजिंग टाइम सेवन क्लॉक है तो ए शुड भी शट डाउन एट सिक्स ओ क्लॉक एक घंटे की कूलिंग वहाँ पर आसानी से रह सकती है साथ ही साथ सेव वाटर सेव अर्थ के फॉर्मूले को भी इंप्लीमेंट करते हैं मतलब वाटर यूटिलाइजेशन में ऑटो पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत सारा वाटर सेव होता है जिसकी वजह से आपको पंप को री नहीं करना पड़ता और आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी घट जाती है कल्टिवेट द डिसिप्लिन फॉर योर कोर कंपनी वैल्यू यू हैव टू फोकस ऑन डिसिप्लिन इन योर कंपनी आपके एम्प्लॉयज़ कितना डिसिप्लिन में रहते हैं कितनी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होती है और प्रॉफिट इंक्रीज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हंड्रेड हैं एंड एवरी एम्प्लॉयज कम्स ऑन एन एवरेज वन मिनट लेट पर डे दैट्स मीन्स यू आर गेटिंग लेस वर्क फॉर हंड्रेड मिनट्स पर डे इफ यू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड ईयर यू विल फाइंड आउट इट्स अूज लॉस सो यू हैव टू मेक लॉट ऑफ डिसिप्लिन योर कंपनी ताकि आपके कर्मचारी सही समय पर काम शुरू करें और सही समय पर काम को क्लोज करें प्लान टू कंट्रोल योर फाइनेंस दैट्स मीन्स योर फंड फ्लो मेथड एंड कैश फ्लो मेथड इन दोनों मैथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं जहां पर ये बताया जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कैसे आपको अपने फंड को मैनेज करना है जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वो अपने कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमेशा रिड्यूस करने पर फोकस करते हैं जो जो कंपनी मोर कैपेबल होते हैं उनकी इवेल्युएशन को काउंट किया जाता है और चेक किया जाता है कि उनकी मैरिट रेटिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनी में इंक्रीमेंट देते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कोवर्क सिस्टम एंड स्पेस शेयरिंग सिस्टम आज बहुत सारी कंपनीज का स्पेस अनयूटिलाइज रहता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऑफिस आवर्स मॉर्निंग टेन टू इवनिंग सेवन ओ क्लॉक है तो इसका मतलब आपका इवनिंग सेवन ओ से लेके मॉर्निंग एट ओ तक आपकी कंपनी का स्पेस अनयूटिलाइज रहता है और बहुत सारी कंपनी ऐसी कंपनीज को अपने साथ को पार्टनर बनाती हैं जो वो स्पेस को इस्तेमाल कर सकें और स्पेस शेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल न केवल ऑफिस में ना केवल कारपोरेट्स में बल्कि फैक्ट्रीज में भी होता है फैक्ट्रीज भी अपने स्पेस को दूसरे लोगों को मोर प्रोडक्टिविटी के लिए ऑन रेंट अवेलेबल कराती हैं जिसकी वजह से वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है तो आप भी इस मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम कर सकते हैं अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो बिना सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करें आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड्स कॉस्ट रिडक्शन एनालिसिस के ये फॉर्मूलाज बहुत सारे कॉर्पोरेट अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं और अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट को ग्रो करते हैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अगर इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ बिजनेस को एनहांस करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं अगली वीडियो में हम बात करेंगे फंड फ्लो मेथड एंड

My Abushan.